नहीं है, चौकन्ने रहिए। गुज़िश्ता दिनों जनकपुरी दिल्ली में समीता मिश्रा मेमोरियल फाउंडेशन फॉर कैंसर रिसर्च की जानिब से वर्ल्ड कैंसर डे के मौके पर कैंसर की अवेयरनेस के लिए एक प्रोग्राम मुनाकिद किया गया और साथ ही एक कवि सम्मेलन का भी एहतमाम किया गया। मकसद था ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैंसर के हवाले से जागरूक करना। बहुत से अहम डॉक्टर्स ने अपने खिताब के जरिए कैंसर से बचने और उसे पहचानने के बारे में लोगों को आगाह किया और साथ ही हिंदुस्तान के बेहतरीन कवि और शायरों ने अपनी शायरी के जरिए इस प्रोग्राम में समा बांध दिया। आए दिन इस फाउंडेशन के जरिए कई अहम प्रोग्राम समाजी बेदारी के लिए मुनक्किद किए जाते रहे हैं। हम सबसे पहले आमंत्रित करना चाहेंगे मैम राजकुमारी ढिल्लू मैम को कि आप आए। सबसे पहले तो मैं मेरी छोटी बहन धर्म पत्नी प्रफुल्ल कुमार जी की समीता, उनको आज मैं जितने भी यहाँ पर आदरणीय बुजुर्ग और मेरे छोटे भाई मेरी छोटी बहनें सब लोग जो हम लोग आज यहाँ पर बैठे हुए हैं नेक कार्य के लिए, यहाँ पर जो हमारे बहुत ही मुख्य जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनकी पूरी टीम को आपने यहाँ पर बुलाया है और जो ये अवेयरनेस कैंप जो आपने लगाया है कैंसर से रिलेटेड, ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे सरदार जगदीप सिंह जी को। मिश्रा फाउंडेशन, जहाँ मैं पहली बारी विधायक बन के आया था 2013 में, मुझे याद है कि प्रफुल्ल जी से मेरी मुलाकात हुई, उनसे बात हुई और मैं इनसे बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड हुआ जब इन्होंने मुझे बताया कि इस तरीके से ये नॉट ओनली दिल्ली में, ये बिहार में, उत्तराखंड में, झारखंड में, ये इस अवेयरनेस कैंप के बहुत सारी इनकी टीम है जो इस ऑर्गेनाइजेशन को वहाँ पर काम कर रही है और बड़े अच्छे तरीके से ये लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। मैम रविंदर कौर जी से आग्रह करेंगे कि आप मंच पर आएं। मैं प्रफुल्ल जी का जो ये नेक काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो यहाँ पर कैंप लगाया गया है, जो यहाँ पर डॉक्टर्स यहाँ पर चेकअप के लिए आए हैं और ये उन लेडीज के लिए बहुत बड़ी बात है कि हमें इस कैंप का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाना चाहिए। हमें अपने लिए और दूसरों के लिए हमें बताना चाहिए कि यहाँ इस कैंप में हमें बार बार हमें अपने टेस्ट और अपने लिए अवेयर रहना चाहिए। तो मैं प्रफुल्ल जी और उनकी टीम और यहाँ पर आए सभी डॉक्टर्स का स्वागत करना चाहूँगी कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत ही नेक काम कर रहे हैं। ये नेक काम होते रहें और अपने एरिया में और एरिया से हट के जिन जिन लोगों को भी पता हो हम एक दूसरे की मदद करते रहें। धन्यवाद। अब हम मंच पर डॉक्टर रवि गौर जी को आमंत्रित करना चाहते हैं। आप गौर पैथ लैब और यूनिपैथ के फाउंडर हैं। आप सबको गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दिस स्मिता मेमोरियल फाउंडेशन कैंसर रिसर्च कैंप विच इज बीन ऑर्गेनाइज फॉर स्पेशली फॉर ब्रेस्ट कैंसर। ये 4 फरवरी इज द वर्ल्ड कैंसर डे और ये एक बार मतलब पिछले 2 साल से एक थीम चल रहा है इसका, क्लोज द केयर गैप, बिकॉज एक इनइक्वलिटी है
नॉट ओनली इन आवर कंट्री बट आई थ्री अब्रॉड ऑल्सो, कि एक जगह बहुत एडवांस फैसिलिटी अवेलेबल है, हर तरह का इलाज अवेलेबल है, और 50% हमारी पॉपुलेशन है या एरियाज हैं वो उसको अफोर्ड भी नहीं कर पाते और वहाँ रिसोर्सेज भी नहीं हैं. आई थिंक दिस इज़ दी कंपेन वट वर्ल्ड हेल्थ इज रनिंग टू क्लोज दिस केयर गैप ऑलमोस्ट लाइक यू नो फॉर लास्ट 2022 स्टार्टेड 22, 23 और 24 तक ये है और यही हमारा प्रयास है. और आई थिंक स्मिता मेमोरियल जो फाउंडेशन है इनका भी यही प्रयास है. वट वी आर हियरिंग इज बिहार के रिमोट एरियाज में जगह जगह जाके लोगों को अवेयर कराना, उनके कैंप कराना, मेमोग्राफी कराना और उनको बताना कैंसर के बारे में, विच इज आई थिंक वेरी लॉडेबल एफर्ट. डॉक्टर माजिद अहमद कालीकोटी कैंसर के क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं, बत्रा अस्पताल से जुड़े हुए हैं. देश भर में आपके कार्यक्रम प्रचारित प्रसारित होते हैं विभिन्न प्लेटफॉर्म पर. लगभग करोड़ों में लोगों को कैंसर होता है और कई करोड़ लोग इस बीमारी से मरते हैं. इस तरह के वर्ल्ड अवेयरनेस डे जो पूरी दुनिया में मनाया जाता है उससे एक अवेयरनेस से कैंसर का गैप जो मेन पॉइंट है कि वो 80% जो लास्ट स्टेज में आए वो फर्स्ट स्टेज में कैसे आए और वो क्योर हो जाए, यही एम और विजन होता है. और वही विजन और एम से समिता मिश्रा मेमोरियल फाउंडेशन फॉर कैंसर रिसर्च, प्रफुल्ल जी इसको हर दिन हर सेकेंड हर लम्हा करते हैं, उनको इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई. मंच पर हम आमंत्रित करना चाहेंगे अब डॉक्टर वर्तिका को. सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम लोग फेस करते हैं वो ये है कि पेशेंट्स हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर लेके दो दो तीन तीन साल बाद आते हैं. अगर वही मरीज हमारे पास एक महीने बाद या 15 दिन में पहुंच जाए तो उस कैंसर को हम जड़ से निकाल सकते हैं. तो इसलिए मैं इस फाउंडेशन का थैंक यू करना चाहती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जो हम प्रयास कर रहे हैं इतने साल से उसमें ये हमारी मदद कर रहे हैं. दिस इज़ अ वेरी बिग हेल्प बिकॉज द मैसेज दैट वी आर ट्राइंग टू स्प्रेड कि कैंसर को टाइम से डिटेक्ट करिए, जल्दी से जल्दी डिटेक्ट करिए. तो कोई कैंसर ऐसा नहीं है कि आप उसको जड़ से निकाल नहीं सकते. दिक्कत वहाँ आती है जब हमें पता है कि हमें कोई तकलीफ है और हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, और उससे भी बड़ी बात हम सही डॉक्टर के पास नहीं जाते. तो बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर की. तो सारी फीमेल्स एंड नॉट ओनली फीमेल्स, जैसे कि गौर सर ने बोला था कि मेल्स, मेल्स कैन ऑल्सो सफर फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर. एंड इन फैक्ट मेल्स का जो परसेंटेज है दे अकाउंट फॉर अबाउट 1/8 ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर बल्क. मतलब कि 1 में से 8 मरीज अगर ब्रेस्ट कैंसर का डिटेक्ट होता है तो वो 1 मरीज मेल होता है. तो मेल्स को भी अपना उतना ही केयर करना है जितना कि फीमेल को करना है. अच्छा, और कैसे आपको पता चलेगा कि आपको ब्रेस्ट कैंसर है? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि गांठ तो हमको होती है लेकिन वो गांठ पेनलेस होती है, यानी कि उसमें दर्द नहीं होता. तो इसलिए हमको लगता है कि सिर्फ गांठ ही तो है, कोई तकलीफ तो है नहीं हमको, तो हम क्यों दिखाएं डॉक्टर को. तो वो पेनलेस यानी कि बिना दर्द की जो गांठ है वही कैंसर है 90% टाइम्स. ठीक है, तो इसलिए आपको अगर एक पेनलेस प्रोग्रेसिव मतलब बढ़ती हुई गांठ है जो कि पेनलेस है, दर्द से रहित है, तो आपको अपने डॉक्टर को जाके दिखाना है. आपके लिए जागृति का किया जा रहा है जिसमें अभी डॉक्टर साहब के उद्बोधन भी आपने सुने और कवियों की कविताएं भी आप सुनेंगे. मैं एक बहुत छोटी सी कविता आपको सुनाता हूँ, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, और अध्यक्ष जी के आदेश पर सुना रहा हूं तो अतिरिक्त आपका ध्यान चाहूंगा. कोयल का रंग होता है काला, ये एक ऐसी कविता है. कोरोना काल में रंजय भैया लगभग 80 कविताएं मैंने लिखी, लेकिन मुझसे कोई पूछे कि सर्वश्रेष्ठ कविता आपको कौन सी लगी, तो ये एक छोटी सी कविता है और इसे कान से नहीं ध्यान से सुनिएगा. कोयल का रंग होता है काला लेकिन उसका स्वर होता है सबसे निराला. सहम जाना जरा सी आहट पर होता है हिरन का स्वभाव, लेकिन नहीं होता उसकी गति का कोई भी जवाब. अगली 2 पंक्तियों पर भरपूर तालियां चाहिए आपकी. लेकिन नहीं होता उसकी गति का कोई भी जवाब, एक बात समझनी पड़ेगी गौर से, बेशक पैर कुरूप हैं लेकिन नाचना तो सीखना ही पड़ेगा मोर से.
एक बात समझनी पड़ेगी गौर से, बेशक पैर कुरूप हैं, लेकिन नाचना तो सीखना ही पड़ेगा। मोर से नहीं होता किसी बया के पास किसी गिद्ध से लड़ने का हौसला, लेकिन कभी नहीं बना सकता कोई गिद्ध बया जैसा महीन घोंसला। लेकिन कभी नहीं बना सकता कोई गिद्ध बया जैसा महीन घोंसला, इसलिए कभी भी कोयल को ना देना उसके रूप पर ताना। बया से ना कहना क्या आता है तुम्हें कोयल जैसा गाना, मोर से ना कहना बया जैसा घोंसला बनाओ, और ना कहना गिद्ध से मोर की तरह नाच कर दिखाओ, और ना कहना गिद्ध से मोर की तरह नाच कर दिखाओ। विशेष विशेषता जो है एक के पास, जो है एक के पास, वही तो बनाती है उसे दूसरों से खास, वही तो बनाती है उसे दूसरों से खास। जिस गुण के कारण मिली उसे पहचान, यदि वही गुण खो जाएगा तो इस बदलाव में उसके शरीर का हो या ना हो, लेकिन उसकी आत्मा का नाश अवश्य हो जाएगा। इसलिए इस प्रकृति में जब भी जिसका भी थामो हाथ, उसे स्वीकार करो उसके मूल स्वभाव के साथ, उसे स्वीकार करो उसके मूल स्वभाव के साथ। और इस भाव को कहने के पीछे भाव यह है कि जो चित्र लगा है समिता मिश्रा फाउंडेशन का, यदि आप थामते हैं इस फाउंडेशन का हाथ तो इसे स्वीकार करें इसकी मूल सेवा भावना के साथ। मुझे क्रम आगे बढ़ाना है तो अगर आप लोग तैयार हैं तो मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां हो जाएं फाउंडेशन के नाम से, समिता मिश्रा फाउंडेशन उसके लिए। दोस्तों जैसे प्रवीण भाई ने बताया, मैं गाजियाबाद से आया हूं और आप सभी जानते हैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का एक शहर है। एक मतलब और एक शेर मुझे याद आ रहा है प्रभु साहब, वहां से शुरुआत करता हूं कि सहारे भी उनके किनारे भी उनके। वाह रंजय साहब, सहारे भी उनके किनारे भी उनके, मगर हम जो डूबे इशारे भी उनके, मगर हम जो डूबे इशारे भी उनके। और एक शेर आपके सम्मान में पेश कर रहा हूं कि यहां लोग सारे के सारे ही उनके, यहां लोग सारे के सारे ही उनके, जो उनके वो उनके हमारे भी उनके। वाह 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 वाह। मित्रों चार मिसरे यानी कि एक मतलब और एक शेर देखेगा प्रफुल्ल साहब, नहीं ज्यादा लड़ेगा वो, नहीं ज्यादा लड़ेगा वो गिरा हथियार जाएगा, नहीं नहीं ज्यादा लड़ेगा वो गिरा हथियार जाएगा। यहां जो शख्स सच्चा है वो सच में हार जाएगा। वाह 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 वाह। यहां जो शख्स सच्चा है वो सच में हार जाएगा। एक मतलब और देखेगा कि कभी ये सोच मत लेना वफादारी नहीं हम में, कभी कभी ये सोच मत लेना वफादारी नहीं हम में, कमी है तो बस इतनी सी अदाकारी नहीं हम में, कमी है तो बस इतनी सी अदाकारी नहीं हम में। एक शेर और देखिएगा दोस्तों, फिर मैं एक गजल आपके सामने पेश करूंगा कि मेरा कद है बहुत छोटा, मेरा कद है बहुत छोटा कोई नापे मगर कैसे, मेरा कद है बहुत छोटा कोई नापे मगर कैसे, जो फीता लोग रखते हैं मेरे कद से भी छोटा है। वाह, जो फीता लोग रखते हैं मेरे कद से भी छोटा है। बहुत अच्छे। एक शेर और देखेगा, बहुत अच्छे। ये खाली हाथ मेरे देख मत सोचो कि मांगूंगा, दिनेश जी ये खाली हाथ मेरे देख मत सोचो के मांगूंगा, यू खाली हाथ है मेरे मैं सब कुछ बांट आया हूं। वाह वाह। यू खाली हाथ है मेरे मैं सब कुछ बांट आया। बहुत बहुत शुक्रिया। यहां से छूट के सोचा कि अब किधर जाऊं,
यहाँ से छूट के सोचा कि अब किधर जाऊं, वहीं पे जाऊं उजाला जहां नहीं होता। हजारों जेलों को रोशन किया है यूं मैंने, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। बहुत चिराग का अपना मकान नहीं होता। और जाल से बच के ना जंजाल में पकड़ा जाऊं, माजी जाता है अगर हाल में पकड़ा जाऊं, दब चुकी मेरे घोटालों की पुरानी फाइल, ये ना हो आपके नए साल में पकड़ा जाऊं। वाह, ये ना हो आपके नए साल में पकड़ा जाऊं। और ये चार पंक्तियां देखें कि खुद बताता हूं, जरा मेरी ढिटाई देखिए, खुद बताता हूं, जरा मेरी ढिटाई देखिए, मेरी किस्मत देखिए, मेरी रसाई देखिए, मेरी इज्जत का सबब है सिर्फ रिश्वत की रकम, आइए और मेरी इज्जत की कमाई देखिए। वाह 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 वाह, इज्जत का सबब है सिर्फ रिश्वत की रकम, आइए और मेरी इज्जत की कमाई देखिए। और देखिए ये एक बहुत मशहूर शेर है कि अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी चले, लाई हयात आए कजा ले चली चले। हयात कहते हैं जिंदगी को और कजा कहते हैं मौत को। तो इस पंक्ति पे तीन पंक्तियां मेरी देखें, किसी बुजुर्ग शायर का शेर है तो मैंने अपनी तीन पंक्तियां लगाई। जिन्होंने वक्ते निका हम भी से दूल्हा बने हुए, वक्ते निका हम भी से दूल्हा बने हुए, बुलवाया औरतों ने सलामी के वास्ते, बुलवाया औरतों ने सलामी के वास्ते, हम रुखसती के वक्त यही कह के चल पड़े, लाई हयात आए कजा ले चले चले। बशीर बदर का दूसरा एक बहुत मशहूर शेर है कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, कि रहा करता है खटका जाने के अंजाम हो जाए, खबर याम हो जाए तो फिर कोहराम हो जाए, मोहब्बत हो गई है डाकू सुल्ताना की बेटी से, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। वाह। और इसी तरह से एक बहुत मशहूर शेर है, परवीन भाई ने भी इशारा किया, को जरूर पढ़ना, वो मजरू साहब का बहुत मशहूर शेर है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया, मैंने साथ की जगह हाथ किया है बस मिसरे इस पंक्ति में। और तीन मिसरे अपने चश्मा किए देखें कि रात में छम्मों के कोठे पर पुलिस ने दी दबिश, मनचलों की भीड़ से कैसा समा बनता गया, अपना कल्लन तो सियाना था निकल भागा, मगर लोग हाथ आते गए और कारवा बनता गया। और तदबीर का खोटा है मुकद्दर से लड़ा है, तदबीर का खोटा है मुकद्दर से लड़ा है, दुनिया उसे कहती है कि चालाक बड़ा है, खुद 30 का है और दुल्हन 60 बरस की, गिरती हुई दीवार के साए में खड़ा है। वाह 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 वाह। तदबीर का खोटा है मुकद्दर से लड़ा है, दुनिया उसे कहती है कि चालाक बड़ा है, खुद 30 का है और दुल्हन 60 बरस की, गिरती हुई दीवार के साए में खड़ा है। एक बार जरा मैं चाहूंगा कि भरपूर मन के साथ तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा अरुण जैन। समिता मिश्रा फाउंडेशन के उद्देश्यों को प्रणाम करता हूं जो काम आप कर रहे हैं। भाई प्रवीण शुक्ल ने बहुत ही शानदार काव्य पाठ किया, एक बार तालियां और प्रवीण के लिए होनी चाहिए। वैसे भी 2-3 साल कोरोना ने हंसने नहीं दिया जी, बहुत दिक्कत हुई, आप जानते हो क्या स्थिति थी। सबसे पहले कहा गया वर्क फ्रॉम होम, बताओ हम कैसे करें, हमारे लिए बड़ी दिक्कत थी जी। तो मैंने वर्क फ्रॉम होम के तहत घर पर ही कविता सुनाई, ना कोई हंसा ना किसी ने ताली बजाई और ना ही कोई पेमेंट जेब में आई, कई कष्ट एक साथ थे। फिर मैंने अपनी दूसरी जेब से पैसे निकाल के खुद को पेमेंट दी, इस तरह वर्क फ्रॉम होम की औपचारिकता पूरी की। अच्छा एक और दृश्य कविता आपको सुनाता हूं। जब कोरोना काल के बाद जो पहला कवि सम्मेलन मिला उसका एक उसकी कथा सुनाता हूं आपको, दृश्य कविता है, एक दृश्य का आप आनंद ले। कोरोना काल के बाद कवि सम्मेलन का पहला आमंत्रण मिला तो रोम रोम खुशी से खिला, मन हो रहा था बेकाबू, सालों बाद एक चुटकी कवि सम्मेलन मिलने की कीमत तुम क्या जानो प्रफुल्ल बाबू। वाह। तालियां सुने माइक देखे जमाना बीत गया, ना कहीं गए ना आए, इसलिए पेमेंट पर भी कोई नखरे नहीं दिखाए, तुरंत फ्लाइट की टिकट बुक करवाई। स्थिति ये थी पॉपुलर जी, उस टिकट का मैंने प्रिंट निकलवाया, 3 दिन तक तो मैं उसी पे लेटा रहा।
यही था। तुरंत फ्लाइट की टिकट बुक करवाई, कई दिन तक तो नींद नहीं आई। फिर वो दिन भी आ गया जब यात्रा पर निकलना था, कवि मित्रों से मिलना था। सालों से कमरे के कोने में उपेक्षित पड़े सूटकेस को जैसे ही उठाया तो वो तो मुझसे भी ज्यादा प्रसन्न नजर आया। भूल गया सारी शर्मो हया, उंगली की एक छुअन से ही खुल गया। वाह। अब कपड़े रखने की थी बारी, कपड़ों की स्थिति आप जानते हो क्या थी जी, निक्कर और बनियान में टाइम कट रहा था। कपड़े जो लटके हुए थे बेचारे, वो ये सोच रहे थे मालिक है भी या निकल लिया। बेचारे लटके लटके लटक गए थे वो। अब कपड़े रखने की दीवारी तो खोल ली अलमारी, शर्ट और पैंट दोनों अकड़ी अकड़ी थी, माथे की छोड़ो पूरे बदर पर त्योरियां पड़ी थी। वाह। पानी के छींटे और गर्म इस्त्री से उनका बल निकाला और बड़े प्यार से सूटकेस में डाला। अब तो सूटकेस खुशी से फूला नहीं समा रहा था, एयरपोर्ट पर भी मुझसे आगे आगे जा रहा था। काउंटर वाले ने पूछा लगेज, मैंने कहा हैंडबैग है। सुनते ही सूटकेस बौखला गया, मैं उसे अपने साथ रखना चाहता था, वो ये भी भूल गया, खुशी के साथ साथ गुस्से में फूल गया। फूला हुआ सूटकेस देखकर काउंटर वाला बोला, प्लेन छोटा है, ये सामान लगेज में ही जाएगा, गंतव्य पर आपको मिल जाएगा। सूटकेस मेरी तरफ देख के सोच रहा था अब आएगा मजा। महीनों से कमरे के कोने में पड़ा पड़ा इसी ठलवे को तो झाड़ू पोछा लगाते देख रहा था। वाह। अब अपने दिन भी खिलेंगे, अंदर पुराने यार सूटकेस मिलेंगे, उनसे बतियाऊंगा, हसीन अटैचियों से नैन लड़ाऊंगा। क्या बात क्या बात। काउंटर के पीछे तरह तरह के सूटकेसों का था हुजूम, कुछ धाकड़ थे कुछ मासूम, कई सूटकेसों की आंखों से तो आंसू बरस रहे थे, करोना ने उनके मालिकों को लील लिया था, अब वो उन हाथों के स्पर्श को तरस रहे थे। मैं शुरू करता हूँ, परिवार की तरह से आप लोग बैठे हैं। मारी आप बहुत अच्छा सुन रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था, एक एक शेर पीछे जो बैठे, मैं आप वहां पर मैंने बहुत लिखा है, थोड़ा सा वहां पर भी सुनाऊंगा, मुझे आदेशित किया गया है, सुन लीजिएगा। मैं फुफुल जी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बड़ा पुनीत कार्य आप ये कर रहे हैं। मैं एक छोटी कविता शुरू करूंगा आपके इस पुनीत कार्य के लिए समर्पित करता हूँ। मैंने कभी लिखा था, साथ चलने का इरादा जब जमा हो जाएगा, आदमी मिला आदमी से कारवा हो जाएगा, तो किसी के पांव के नीचे तुरंत थोड़ी जमीन, तू ही नजरों में किसी की आसमा हो जाएगा। ये मैंने लिखी थी कभी बात, लेकिन इसको मैंने कभी कविता रूप में लिखा तो मुझे प्रसिद्धि के साथ साथ सबसे बड़ा मुझे लगा कि इस कविता ने मुझे राष्ट्रपति भवन तक पहुंचाया था। 25 साल पहले कविता लिखी थी, लेकिन आज मैं पढ़ना चाहता हूं ये कविता, क्योंकि आपके इस प्रकल्प को मैं समर्थन दे रहा हूं अपने शब्दों से। देखना सर, साथ सब न चल सकेंगे ये तो हम भी जानते हैं, बहुत अच्छी कविता है, बस मन से सुन लीजिएगा। साथ सब न चल सकेंगे ये तो हम भी जानते हैं, लोग रास्ते में रुकेंगे ये तो हम भी मानते हैं, दूसरों के आंसू अपनी आंख से वो भी बहाए, वो हमारे साथ आए, भीड़ चाहे लौट जाए। थोड़ी कमजोर तालियां मत रखिए, आप बैठे तो शिरकत करिए, कविता छोटी बड़ी नहीं होती, लेकिन लगता है कि हम आप तक पहुंच रहे हैं, बहुत आवश्यक कविता। साथ सब न चल सकेंगे ये तो हम भी जानते हैं, लोग रास्ते में रुकेंगे ये तो हम भी मानते हैं, दूसरों के आंसू अपनी आंख से जो भी बहाए वो हमारे साथ आए, भीड़ चाहे लौट जाए। आपके इस प्रकल्प को समर्थन देना, दूसरों को जानते हैं, जितने लोग यहां कविता पहली बार सुन रहे हैं उनका आशीष चाहिए, दूसरों को जानते हैं, खुद को पहचाना नहीं है, बात है छोटी मगर सब नहीं से माना नहीं है, बौने किरदारों को अक्सर होता है कद का गुमा, कद किसी का नापने का भीड़ पैमाना नहीं है, बौने किरदारों को अक्सर होता है कद का गुमा, कद किसी का नापने का भीड़ पैमाना नहीं है, हम तो बस उस आदमी के साथ चलना चाहते हैं जो अकेले में कभी आईने से मुंह चुराए, वो हमारे साथ। अंतरा चाहिए इस अंतरे पर समर्थन, जो लोग समझ सके पोएट्री को उनका प्यार मिले। सुनिएगा कि आवरण भाने लगे तो सादगी का अर्थ भूले। मैं प्रवीण भाई ने 5-6 लोगों को उधर से जो आमंत्रित किया वो इसलिए किया कि हम ये चाहते कि 4-5 और लोग भी हमारी बात पहुंच जाए, बस सर ये बात भावना होती है सुनना, कि आवरण भाने लगे तो सादगी का अर्थ भूले, अर्थ की चाहत में पल पल जिंदगी का अर्थ भूले, छोटी खुशियां द्वार पर दस्तकें तो नहीं, लेकिन हम बड़ी खुशियों में छोटी हर खुशी का अर्थ भूलें। जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड नहीं आया है। मिल गया, अभी कॉल करता हूँ दीदी। बगैर नंबर चाचे